रेनबो स्ट्रेटजीज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इनएसएसएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आज हम सॉल्व करेंगे आईएसएस 2022 स्टैटिस्टिक्स पेपर 1 से टेक क्वेश्चन नंबर 42। तो देखिए हमने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है, तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एंड अर्न कंटेन 3 व्हाइट बॉल एंड 4 ब्लैक बॉल। ठीक है, तो हमारे पास कितने बॉल है? 7 बॉल है, 3 व्हाइट है, 4 ब्लैक है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, हमने एक रैंडम एक बॉल चूज किया। इट कलर इज नोटेड एंड रिटर्न टू द अर्न अलोंग विद 2 एडिशनल बॉल ऑफ द सेम कलर। तो जो बॉल हम चूज करेंगे उसी कलर के हम 2 बॉल और उसमें रखेंगे, इसको वापस करेंगे। ठीक ना, इफ अ बॉल इज ड्रॉन अगेन फ्रॉम द अर्न व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन इज व्हाइट। ठीक ना, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे आप पहले देखिए क्या क्या हम यहाँ पे ना लेट E1 लिखते हैं एट फर्स्ट रो व्हाइट कलर बॉल इज। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा, टोटल बॉल्स आर 7, उसमें से 3 व्हाइट था, तो प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3/7। ठीक है, इसके बाद पूछा गया है E2, हम E2 को क्या लेंगे, E2 को लेंगे एट फर्स्ट ड्रॉ ब्लैक बॉल इज चूज। ठीक ना, तो देखिए ब्लैक कलर का बॉल चूज होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ब्लैक कलर का बॉल चूज होने का प्रोबेबिलिटी है 4/7। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। तो इसके बाद देखिए हम यहाँ पे इसके बाद लेंगे जो है वो लेंगे इवेंट ए। ए क्या होगा, ए होगा एट सेकेंड ड्रॉ व्हाइट कलर बॉल इज ड्रॉन। देखिए अभी यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1। ठीक ना, मतलब आपने फर्स्ट ड्रॉ में व्हाइट कलर का बॉल चूज किया था, इसके बाद भी आपको सेकेंड ड्रॉ में भी आपको व्हाइट कलर का बॉल मिला। मतलब देखिए फर्स्ट ड्रॉ में जब आपने व्हाइट कलर का बॉल चूज किया तो उस टाइम आपने जब बॉल वापस किया साथ में 2 एडिशनल ब्लू वापस करेंगे व्हाइट कलर का, तो टोटल व्हाइट नंबर के बॉल कितने हो गए, वो हो गए 5। और अभी जो टोटल नंबर ऑफ बॉल हो गए वो हो गया 9, तो 5/9 हो गया। और सेकेंड में देखिए वैसे ही अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2, मतलब आपने फर्स्ट ड्रॉ में ब्लैक कलर का बॉल चूज किया था, तो जो आप बॉल वापस करेंगे वहाँ पर भी आप 2 ब्लैक कलर का बॉल ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर भी जो नंबर ऑफ व्हाइट कलर के बॉल है वो चेंज होंगे, वो होगा 3 रहेगा, और जो टोटल नंबर बॉल होगा वो हो जाएगा 9। ठीक ना, ये हो गया। आपको निकालना है, ठीक ना, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, व्हाइट कलर का बॉल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। यहाँ पे हम यूज करेंगे बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाया था, आप उसको भी देख सकते हैं। देखिए थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी आपको बताता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कि व्हाइट कलर का बॉल आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, वो हो जाएगा आपका ए गिवन E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 5/9 इंटू E1 मतलब 3/7 प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 3/9 इंटू 4/7। ठीक ना, तो यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, 3/9 को ना कॉमन ले सकते हैं, 3/7 को हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक ना, तो हम 3/7 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा 5/9 प्लस 4/9। ठीक है, तो देखिए ये जो होगा वो प्लस करके 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे होगा 3/7। तो आपका आंसर क्या मिला, आंसर मिला आपको ए। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो पे कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में, फिर कन्फ्यूजन है, अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो हमसे पूछिए, हम आपके डाउट क्लियर करने की, आपकी कन्फ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।